हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 मैथ सर्कल का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन फिगर PA एंड PB आर टू टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर C एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। इफ PA परपेंडिकुलर टू PB देन द लेंथ ऑफ इस टैंजेंट इज। यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, एक सर्कल है, सर्कल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट P है। इस पॉइंट P से इस सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है PA एंड PB जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दैट इज ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। देन द लेंथ ऑफ इस टेंजेंट, तो हमें PA एंड PB की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये दोनों लेंथ में सेम होंगे बिकॉज ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑलवेज इक्वल होते हैं। अब हम यहाँ पे AC जो कि रेडियस ऑफ सर्कल है एंड CB ये भी रेडियस ऑफ सर्कल, इसे ज्वाइंट कर लेते हैं। AC CB के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ ये रेडियस ऑफ सर्कल है। इसे राइट कर सकते हैं AP इक्वल्स टू BP लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड सेम CA इक्वल्स टू CB ये है रेडियस ऑफ सर्कल। जब भी ऐसी कंडीशन हो कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा हो, देन उस एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने पे, अगर इस P को हम C से ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये दोनों एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं एंड ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को बाइसेक्ट करते हैं। इसे हम राइट कर लेते हैं CP बाइसेक्ट्स एंगल APB। एंगल APB गिवन है 90 डिग्री जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। देन हो जाएगा एंगल APC, ये एंगल APC इक्वल्स टू एंगल PBC, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे जो होगा 19/2, दैट इज 45 डिग्री के हो जाएंगे ये दोनों एंगल। यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा एंड ये एंगल भी हो जाएगा 45 डिग्री का। एंड AC एंड CB इसकी वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर जो रेडियस है। अब इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं, ट्रायंगल APC में एक साइड गिवन है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक साइड गिवन है एंड एंगल गिवन है। तो इसमें हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके एपी की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। इस ट्रायंगल एपीसी में ये एंगल 45 एंड ये बेस होगा एंड ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हम रेशियो टैन का यूज कर सकते हैं। टैन 45 डिग्री इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा एसी अपॉन बेस होगा एपी। देन राइट कर लेते हैं टैन 45 इक्वल्स टू एसी अपॉन एपी। टैन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इक्वल्स टू एसी। एसी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर अपॉन में एपी। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हो जाएगा एपी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। एपी हमें फाइंड आउट करना था एंड एपी इक्वल्स टू बीपी होगा बिकॉज ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब इन दोनों की लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमने यही फाइंड आउट करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट और दोनों टेंजेंट की लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर एंड ये होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।